ट्विटर पर नॉर्दर्न अलायंस का दावा, खावक में हमला करने आए तालिबान के करीब 350 लड़ाकों को ढेर कर दिया है, 40 से ज्यादा लड़ाकों को बंधक बनाने की बात कही। अफगानिस्तान के अलग अलग शहरों में तालिबानी सड़कों पर निकलकर खुशियां मना रहे हैं, तालिबान के गढ़ कंधार में तालिबान और उसके समर्थकों ने रैली निकालकर जश्न मनाया। अफगानिस्तान के खोस प्रांत में भी तालिबानी समर्थक खुशियां मनाते दिखे, पश्चिमी देशों के झंडे का जनाजा निकालकर आजादी का ऐलान किया। अमेरिकी सैनिकों ने काबुल छोड़ने से पहले अफगान सेना के एयरक्राफ्ट में तोड़फोड़ कर दी है, तालिबान का कहना है कि हमारे हाथ ना लगे इसीलिए अमेरिका ने उपकरणों को नष्ट किया। यूएस आर्मी ने जारी किया रेस्क्यू मिशन का आखिरी वीडियो, काबुल से अमेरिकी जवानों को लेकर लौटा था आखिरी विमान। अमेरिका के बाद ब्रिटेन ने भी आईएसआईएस खुरासान पर कार्रवाई की चेतावनी दी, ब्रिटेन ने कहा है वो कभी भी खुरासान के ठिकानों पर हमला कर सकता है। अमेरिकी रक्षा विभाग के मुताबिक अफगानिस्तान में आईएस खुरासान के करीब 2000 आतंकवादी हैं। तालिबान की गुजारिश पर दोहा में भारत के राजदूत दीपक मित्तल और तालिबानी नेता शेर मोहम्मद अब्बास की मुलाकात हुई, अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों की सुरक्षा और उनकी जल्द वापसी पर बात की गई, भारत आने के इच्छुक अफगान के हिंदू और सिख नागरिकों को भी सुरक्षित लाने पर चर्चा हुई। आतंकवाद के मुद्दे पर तालिबान को भारत की दो टोक, भारतीय राजदूत दीपक मित्तल ने कहा है अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद और भारत के खिलाफ नहीं होना चाहिए। अफगानिस्तान में सरकार के गठन को लेकर तालिबानी नेताओं की 3 दिन की मीटिंग खत्म, एबीपी न्यूज को सूत्रों के मुताबिक जानकारी ईरान की तर्ज पर बन सकती है अफगानिस्तान में नई सरकार, मुल्ला अखुंदजादा हो सकते हैं सुप्रीम लीडर। सूत्रों के मुताबिक अखुंदजादा कंधार में रहेंगे, प्रधानमंत्री और बाकी मंत्री काबुल से सरकार का संचालन करेंगे, मुल्ला बरादर या याकूब में से कोई बन सकता है अफगानिस्तान का प्रधानमंत्री। दिल्ली में आज से 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए स्कूल फिर से खुल गए, डीडीएमए ने जारी की एसओपी, 50% छात्र ही एक बार में क्लास कर सकेंगे, स्कूल में बनेगा क्वारंटीन रूम, ऑनलाइन क्लासेस भी जारी रहेंगी। दिल्ली में स्कूल खुलने पर उप मुख्यमंत्री का बयान, मनीष सिसोदिया ने कहा है किसी अभिभावक को बाध्य नहीं किया है कि स्कूल आना जरूरी है, बच्चा चाहे तो ऑनलाइन क्लासेस से भी पढ़ाई कर सकता है। पंजाब विवाद सुलझाने के लिए आज हरीश रावत और कैप्टन अमरिंदर सिंह की मुलाकात, मुलाकात से पहले हरीश रावत से मिले सिद्धू समर्थक विधायक। हरीश रावत ने अपने पंच प्यारे वाले बयान पर माफी मांगी, हरीश रावत पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगा था, कल सिद्धू से मुलाकात के बाद हरीश ने सिद्धू और चारों कार्यकारी अध्यक्षों की तुलना सिख धर्म के पंच प्यारे से की थी। पूर्व सीएम कल्याण सिंह की आज 13वीं, यूपी के सीएम योगी, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी, एमपी के सीएम शिवराज सिंह भी होंगे, कई राज्यों के राज्यपाल और केंद्रीय मंत्री भी शामिल होंगे। कोरोना पर कानपुर आईआईटी की नई स्टडी में दावा, अगर डेल्टा वेरिएंट से मजबूत नया म्यूटेंट आया तो फिर अक्टूबर में तीसरी लहर आएगी। उन्नीस किलो के कमर्शियल सिलेंडर के दाम में भी 75 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है, अब दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर 1693 रुपए में मिलेगा। देसी खेलों को बढ़ावा देने के लिए एबीपी न्यूज की नई पहल, प्रो कबड्डी लीग की टीम यूपी योद्धा का प्रिंसिपल स्पॉन्सर बना एबीपी न्यूज, खिलाड़ियों की टी शर्ट पर होगा एबीपी न्यूज का लोगो। ABP News, आपको रखे आगे।